देखिए फिर में 7.2 इसका कथन है, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर क्या बताया इसने, एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज की खास बात है कि वो समद्विबाहु है, यानी उसकी दो भुजाएं आपस में, नाम हम अपने पास रख लेते हैं क्योंकि खाली इसने ये बताया कि त्रिभुज नाम हमें खुद रखने पड़े। तो क्या क्या ज्ञात हुआ आपने, ये प्रमेय है, प्रमेय में आप जानते हैं तीन पदों से ज्ञात है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जहां ए भी बराबर है, क्या सिद्ध करना है आपको, किसके सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख मतलब सामने, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, यानी इसके सामने ये वाला कोण, यानी कोण सी बराबर होगा कोण। और ये प्रयोग हम हमेशा करा करेंगे, अब जब भी हमें दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिलेंगे हम उनके सम्मुख भुजाओं को बराबर ले लिया करेंगे, क्योंकि अब हम इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध करने के लिए इसमें विशेष तौर से करनी पड़ेगी आपको रचना, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए की जाती है, और रचना केवल एक ही होती है, यानी एक साथ दो रचनाएं कर दोगे एक बार में, एक रचना, क्या रचना है, कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं, समद्विभाजक खींचा जो बी सी को बिंदु डी पर काट, चलो बहुत अच्छी बात है, यानी कोण ए का हमने खींचा समद्विभाजक, समद्विभाजक नाम रखा है तो इसका क्या काम करेगा, ये इस कोण को दो भागों में काटेगा, इतनी करेगा जब समद्विभाजक हम कह रहे हैं, ठीक है, उपपत्ति देखो, उपपत्ति में हम देखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC क्या क्या है भाई, इसमें इसमें AB भुजा बराबर है, क्यों है, उसके अलावा कोण BAD बराबर है कोण BAC या CAD, मतलब ये वाले कोण का नाम क्या हुआ BAD, और इस कोण का नाम है डी ए सी या सी ए डी, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए डी जो है वो कोण ए की क्या है, समद्विभाजक, ठीक है, हाँ तो बेटा और हम देख रहे हैं AD बराबर AD क्यों, तो कौन से प्रमेय लगी, SAS त्रिभुज ADB जो है वो सर्वांशम होगा त्रिभुज ADC के, क्यों जब ये सर्वांशम हो गए तो इसके सभी संगत भाग आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांशम होने का संगत भाग कौन होगा, इसके बी और सी, कोण बी बराबर होगा कोण सी, क्यों होगा, क्योंकि जब भी दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, इसके लिए हम सीपीसीडी लिख देते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ये तो सिद्ध करना था, देखो ये कौन सी बराबर कौन भी है कौन भी बराबर कौन सी, कोई समस्या, अब इधर आ जाओ, क्या कह रहे हैं, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के संगत भाग संगत भुजाएं बराबर हो, यानी अगर दो कोण बराबर है, बैठ जाओ, दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी,
यानी त्रिभुज है हमारे पास एक, और इस बात पता है कि ये कोण किसके बराबर है, क्या याद है आपको, कोण B बराबर कोण C, कहां पर त्रिभुज है, और क्या सिद्ध करना है हमें, कोण किसी त्रिभुज के बराबर कोण, बराबर कोण तो ये के सम्मुख भुजाएं, तो इन कोणों में सम्मुख भुजाएं कौन सी, B के सामने कौन है AC, और C के सामने कौन है AB, ये बस समझ में आ गया, भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, कोण बराबर है, एक बात तो हमने सिद्ध कर दी कि भुजाएं बराबर है तो कोण कैसे बराबर होगा, अब सिद्ध करेंगे हम कि कोण बराबर है भुजाएं, रचना सेम कर लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो आपको, क्या थी रचना, कोण ए का एडी भुजा, इतने काफी चित्र में साफ साफ दिखेगा कोण ए का समूह विभाजक क्या है, AD जिसमें ये वाला कोण इसके बराबर है, उपस्थिति देख लो, उपस्थिति में त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में हम देखेंगे क्या क्या चीजें बराबर हैं, उभयनिष्ठ तो बराबर है ही, AD बराबर बराबर AD क्यों, उभयनिष्ठ, और कोण B बराबर कोण C, याद है कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी, और कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी ये बराबर है रचना से, आप चाहो तो ये वाली बात लिख लेना, यानी कि ए डी कोण ए की समद्विभाजक है, जबकि हमने पहले कह दिया कि भाई ए का समद्विभाजक है तो ये वाला कोण इसके बराबर, रचना ये कह रही है समद्विभाजक है तो बराबर तो हो गए, यहाँ से दोनों तरफ सर्वांतर तो हो गए, कौन सी सर्वांतर लगी, बहुत बढ़िया, कौन सी लगी, ए ए ए ए एच सर्वांतर, तो यहां से क्या पता लगा भाई सीपीसीडी से, जब दोनों त्रिभुज समान सम होगा तो ये वाली भुजा ए बी बराबर ए सी, सी बी बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हो कि नहीं तो सी दिखाई देता है, ये हो गया ए बी, बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे ऐसे जिन सवालों में वो कहेगा सिद्ध करो किसी त्रिभुज समद्विभाजक त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक त्रिभुज का कोण समद्विभाजक त्रिभुज की भुजा को समद्विभाजित करता है, पहली बात किसी समद्विभाजक त्रिभुज का कोण समद्विभाजक त्रिभुज की भुजा को, या किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड ये कहलाती है माध्यिका, किसे कहते हैं माध्यिका, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली भुजा जो है वो क्या कहलाती है, सवाल ये आता है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, किसी समद्विभाजक त्रिभुज के कौन से त्रिभुज के समद्विभाजक त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक माध्यिका होती है, सिद्ध करो तुरंत सिद्ध कर देंगे इसी बिल्कुल इच्छित यही बनेगा, बिल्कुल ऐसे सवाल होगा, और सीबीडी से हम कहेंगे बीडी बराबर डीसी, तो BD बराबर CD का मतलब D मध्य बिंदु हो गया किसका, BC का, D मध्य बिंदु तो AD क्या हो गई माध्यिका, और AD थी क्या कोण समद्विभाजक, तो समद्विभाजक त्रिभुज में कोण समद्विभाजक तथा माध्यिका संपाती होती है, अगर दोनों एक ही रेखाएं होती हैं, यही AD कोण समद्विभाजक है और यही AD माध्यिका है और एक के ऊपर एक है तो क्या कहेंगे ना संपाती, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि किसी समद्विभाजक त्रिभुज में कोण अर्धक माध्यिका होता है, समझ में आ रही है बात हमारी, पहुंच रही है तुम तक, ऐसे ही यहाँ भी ये भी जब कोण बराबर है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो ठीक है तो
तीसरे कोण का समद्विभाजक उस त्रिभुज की माध्यिका होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो BD बराबर DC आ जाएगा, तो D मध्य बिंदु आएगा, तो AD क्या बन जाएगी? माध्यिका। और यदि था क्या? कोण समद्विभाजक। ये बात समझ में आ रही है? ये आपके सब सवाल हैं किताब के अंदर। अभी जब हम सवाल कराएंगे तो आप देखेंगे इसी चीज को हम दोबारा कराएंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए, इन दोनों प्रमो को बहुत अच्छे से आप करिए।